खबर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लिक कीजिए बेल आइकॉन और बने रहिए हमारे साथ। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता के मीटू कैंपेन को झटका, पुलिस को नाना पाटेकर के खिलाफ नहीं मिले सबूत। फिल्म एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता के नए साल 2018 में अभिनेता नाना पाटेकर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसे लेकर पुलिस जांच कर रही थी। कल पुलिस ने अदालत में बी समरी रिपोर्ट फाइल की। बी समरी रिपोर्ट का मतलब होता है कि जांच में आरोपी के खिलाफ एजेंसी को कोई सबूत नहीं मिले और आरोपी पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। अब मामले में तनुश्री के वकील अदालत में रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करने की बात कर रहे हैं और पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने जानबूझकर नाना पाटेकर को फायदा पहुंचाने के हिसाब से जांच किया और मजबूत गवाहों की गवाही नहीं ली। साथ ही पुलिस पर कार्रवाई की मांग संबंधी याचिका हाई कोर्ट में डालने की बात कही है। क्या कहेंगे? पुलिस ने ये बी समरी फाइल किया है आरोपी को बचाने के लिए। बी समरी फाइल किया है पुलिस के पास, जो आरोपी को चार्जशीट दायर करने के लिए जो इम्पोर्टेंट जो गवाह थे हमारे पास, उसके नाम हमने दिए थे 10 विटनेस थे, उसमें से पुलिस ने 10 में से एक का बयान दर्ज किया है। दूसरा जो विटनेस है, गवाह थे, उनके बयान आधे रिकॉर्ड करके छोड़ दिए। शहरी चट्टी था उसका नाम, तीसरा वासिम था, उसका बयान अभी तक दर्ज नहीं किया। बीच में उसको धमकी आ रही थी, तो धमकी की क्लिप हमने पुलिस को सबमिट की है, उसके ऊपर एक्शन लेने का बोला था, पुलिस ने उसमें कुछ किया नहीं है। और बाकी जो एक की विटनेस थी अलीजा करके, वो तनुश्री दत्ता की हेयर ड्रेसर थी, वो आई विटनेस थी, पुलिस ने आज तक उसको तलब नहीं किया, बुलाया नहीं है। और ये सारी गवाह को नकार के पुलिस ने उनका बयान दर्ज न करके ऐसे लोगों के बयान दर्ज किए हैं जिसको केस के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। और ये सारी चीज़ें पुलिस ने की है सिर्फ आरोपियों को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और इस केस में से निकालने के लिए। ये सारा सिलसिला 10 साल पहले से चल रहा है। 2008 में भी यही हालात हुए थे, आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश की गई थी। अभी गए साल जो मामला दर्ज हुआ था, इस सारी लिपादोपी करने के लिए मामला दर्ज किया था। पुलिस को आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है, इसके लिए सिर्फ दिखावे के लिए यह मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज करने के बाद आज तक पुलिस ने हम कभी जानकारी नहीं दी, कोई अपडेट दिया नहीं, ना ही कभी फोन किया, ना ही कोई नोटिस भेजा, ना ही कोई जानकारी हमारे से पाली। तो ये सबसे पुलिस की जो भूमिका थी वो संशयास्पद थी, सस्पेशियस थी। तो इसके लिए उसका ये है कि पुलिस ने आज आरोपी को बचाने के लिए जो बी समरी फाइल किया है, बी समरी यानी कि झूठी केस है, झूठा केस है, उसके अंदर कोई सबूत नहीं है। ऐसा होता है, पुलिस ने ऑफिशियल तौर पे हमको कोई भी जानकारी नहीं दी है, हमको मीडिया के जरिए बात पता चली कि पुलिस ने ये बी समरी फाइल की है, सी समरी फाइल की है। अगर सी समरी फाइल करते तो हम समझ जाते थे कि कोई सबूत नहीं है, लेकिन पुलिस ने बी समरी फाइल किया, इसका मतलब ऐसा है कि झूठी कंप्लेंट है। तो 10 साल पहले से सारे जो करस्पॉन्डेंस है, सारे लेटर है, जितने सारे विटनेस है, वो सारे को नकार के झुटला के पुलिस ने बी समरी फाइल करके आरोपी को बचाने की कोशिश की है और जो तनुश्री दत्ता का मॉरल डाउन करने का एक प्रयास पुलिस ने किया है। सर, अब आगे आप क्या करोगे? ये जो बी समरी अभी जैसा जानकारी हमें मिली है, बी समरी को हम चैलेंज करेंगे, अपोज करेंगे, उसके सारे कागजात हमको मिलेंगे, उसकी कॉपी मिलेगी, उसका पूरा वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद चैलेंज करके अगर हो सके तो हम हाईकोर्ट में याचिका लगाएंगे पुलिस के खिलाफ कि उन्होंने आरोपी को कैसे बचाने की कोशिश की और हमारे जो 10 विटनेस है उनकी जो नाम हमने दिए थे उसी के बारे में उन्होंने क्यों तफ्तीश नहीं की, क्यों उनके बयान दर्ज नहीं किए, ये सारा मामला हम कोर्ट के सामने रख के पुलिस की तरफ कार्रवाई की मांग रहे हैं। ठीक है।